उत्तर प्रदेश में गर्माते चुनावी माहौल और दलित वोटों की खींचतान के बीच राज्य मंत्री रामदास अठावले ने मायावती पर निशाना साधा है। अठावले ने जोरदार हमला करते हुए कहा कि मायावती बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर राजनीति तो करती है लेकिन उनके आदर्शों को नहीं मानती। उन्होंने पूछा कि अंबेडकर के नाम पर राजनीति करने वाली मायावती ने अभी तक बौद्ध धर्म क्यों नहीं अपनाया। उन्होंने कई बार धर्म परिवर्तन की धमकी दी है लेकिन अब तक हिंदू ही रही। दलितों को बौद्ध धर्म अपना लेना चाहिए और अगर वो धर्मांतरण नहीं करती तो उन्हें पार्टी का नाम बदलकर सर्वजन समाज पार्टी रख देना चाहिए। इसी के साथ ही अठावले ने गौरक्षा के नाम पर हो रही हिंसा को भी गलत बताया। उन्होंने कहा कि यह गंभीर बात है, मैं गऊ रक्षकों से कहूंगा कि गौ हत्या को रोकने के लिए कानून बना हुआ है, तुम लोग गाय की रक्षा करते रहो पर मानव हत्या क्यों? अगर तुम लोग गाय की रक्षा करोगे तो मानव रक्षा कौन करेगा? तो साफ है कि सभी पार्टियां गौरक्षा के नाम पर सियासी रोटियां सेकने में लगी है। और वहीं रामदास अठावले ने जिस तरह से मायावती पर हमला बोला है वो यही दिखाता है कि चुनावी माहौल में बीजेपी विपक्षी दलों को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। देखते रहिए जीबी लाइव।